दोस्तों, आप जेईई एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेमोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको कुछ चीज लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए याद रखना है तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूं। आइए सबसे पहले इस बारे में बात करें कि हम चीजें भूलते क्यों हैं। इसका मेन रीजन है कि आपका दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है और इसमें जगह सीमित है, इसीलिए आप हर कुछ याद नहीं रख सकते। आपको शर्लक होम याद है? वह सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का नाम नहीं बता सकते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि वह इतने होशियार थे कि उनकी मेमोरी में ऐसे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए जगह ही नहीं थी। जी हाँ, आपका दिमाग भी बिल्कुल यही करता है। वह आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से बचाता है, इसीलिए सभी नए डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। इसीलिए यदि आप इसे रिपीट नहीं करते या इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन इंगहॉस ने मेमोरी और उसके मैकेनिज्म पर रिसर्च किया था। उन्होंने भूलने के कारण को स्टडी किया और उससे पता चला कि कुछ नया सीखने के केवल एक घंटे बाद ही हम सीखी गई आधी से अधिक इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। एक दिन बाद हमें केवल सीखे गए 30% इंफॉर्मेशन ही याद रख पाते हैं। खैर, आप देख सकते हैं कि यह कहां जा रहा है। तो सब कुछ कैसे याद रखें? याद रखने के लिए एक तकनीक है जिसे स्पेस रेपिटेशन कहा जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखने के लिए आपको इसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का प्रयास करना होगा। इस मामले में जबरन याद रखना बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को जल्दी से समझ नहीं पाएगा और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो किसी चीज को जल्दी कैसे याद करें? यहां हम पहली सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जहां आपको इंफॉर्मेशन को जल्दी से सीखना है और एक बार उपयोग करके अधिकांश को भूल जाना है। यह एक टिपिकल परीक्षा की तैयारी करने जैसा होगा। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए केवल एक रात है तो तुरंत कुछ याद रखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। किसी नई इंफॉर्मेशन को सीखने के तुरंत बाद उसे दोबारा दोहराएं। दूसरा रेपिटेशन 15 से 20 मिनट बाद करनी चाहिए। आपको दोनों रेपिटेशंस के बीच इंफॉर्मेशन पे वापस लौटने की जरूरत नहीं है। बस आराम कीजिए, कुछ अलग कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। सीखी गई इंफॉर्मेशन को 6 से 8 घंटे के बाद तीसरी बार दोहराएं और आखिरकार सीखने के 24 घंटे बाद आपको उस इंफॉर्मेशन को लास्ट बार रिपीट करना है। तो अगली बार जब आपको किसी चीज को जल्दी से याद करने की आवश्यकता हो तो इस तरीके को जरूर आजमाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह आपके लिए काम किया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको याद रखने की ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। यहां याद रखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। पहली रेपिटेशन सीखने के ठीक बाद होनी चाहिए, पिछली टेक्निक की तरह। फिर इंफॉर्मेशन को 20 से 30 मिनट के बाद फिर से दोहराएं। तीसरी रेपिटेशन एक दिन के बाद करें। नेक्स्ट रेपिटेशन 2 से 3 वीक के बाद करें और फाइनल रेपिटेशन 2 से 3 महीने के बाद करनी पड़ेगी। इस तरह आप बहुत लंबे समय तक कुछ चीज सीख सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन पे अगर वापस जा रहे हैं तो उसका यह मतलब है कि वह इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वह उस सीखे गए इंफॉर्मेशन को मिटाता नहीं है और आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं।